आज का हमारा टॉपिक है जनरेशन गैप। अब प्रीति जी अपने व्यूज बताइए जनरेशन गैप के बारे में। हाँ मैं बता रहा हूँ, मैंने तो बहुत दूर देखा है। जैसे मेरे टाइम में शोएब अख्तर था, शाहिद अफरीदी था, सचिन तेंदुलकर को खेलते हुए देखा है और मैंने वसीम अकरम को भी देखा है। क्योंकि हमारे टाइम में ना ऐसे बल्लेबाज और ऐसे गेंदबाज थे जो आज की जनरेशन है शायद वो इस तरह ना खेल सके। और अगर आज के टाइम में शोएब अख्तर होता तो विराट कोहली शायद इतने रन ना बना पाता। सही बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। क्योंकि उस टाइम के बॉलर और आज के बॉलरों में बहुत फर्क है। पहले की फिल्म थी जो हमारे टाइम पे, क्या नाम है, बच्चे के माँ बाप मर जाते फिर बच्चा बदला लेता है और पूरी फिल्म इस तरह खत्म हो जाती है। या तो किसी खजाने पे फिल्म बनती थी या फिर गांव की डकैत करते हैं डाकू, इस तरह की फिल्में बनती थी। लेकिन आज की फिल्में वेब सीरीज लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो हमारा तो टाइम पास हो गया उस तरह, लेकिन आज तो लोगों को टाइम पास करने के लिए बहुत सारे साधन मिल चुके हैं। पहले रेडियो था, अब रेडियो को सुनना पसंद भी नहीं करता। यहाँ तक कि हमारे मोबाइल में भी FM रेडियो है लेकिन हम कभी उसे यूज नहीं करते। एक जमाना था जब FM रेडियो सुनने के लिए भीड़ हो जाती थी घंटी में। अगर घर में FM रेडियो चलाओ तो लोग सुनते थे बड़े ध्यान से उसे, लेकिन आज की जनरेशन नहीं सुनती उसे क्योंकि आजकल उनके हाथों में टेलीविजन आ चुका है। क्यों सुनी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आरटी नॉलेज जी, आप बताएंगे जनरेशन गैप के बारे में अपने व्यूज। पीछे चल रहा हूँ कि मुझे अब शेयर मार्केट के बारे में अब पता चला, लेकिन अभी मैं पीछे नहीं हटा। मैंने कहीं यूट्यूब पे देखा हुआ था कि अगर तुम्हारी उम्र 25 से 30 साल तक 30 साल से है तो तुम अभी भी, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा शेयर मार्केट को। तो मैंने 2 महीने लगा दिए अभी तक, तो मैंने एम्पिल चलाया भी नहीं 2 महीने। अभी मैंने बिटकॉइन के शेयर खरीदे 1 लाख रुपए के और 5 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। देखता हूँ आज की जनरेशन और 5 साल बाद की जनरेशन किस्मत क्या साथ देती है। अगर बढ़िया, अगर शेयर मार्केट शेयर बढ़े बिटकॉइन के तो मैं भी शायद लखपति या फिर करोड़पति हो। सिर्फ 1 लाख से शुरू किया है लेकिन पिछले 145 साल से चला आ रहा है शेयर मार्केट। लेकिन मेरा ध्यान इस फिल्म को देखने के बाद ही अलग किस्म का हो गया है। पच्चीस और 5-30 साल का हो जाऊंगा मैं उस टाइम तक। आरटी नॉलेज जी, आप अपने व्यूज बताइए थोड़े। ये है कि आज की और पहले की लाइफ स्टाइल में भी चेंजेस हुए हैं। हाँ जी, हाँ तो जी, जनरेशन गैप तो फिलहाल जनरेशन गैप एक तरीके से माना जाए तो जनरेशन गैप जो हुआ है वो कम हुआ है। लोग अब मतलब कि ज्यादा लोग मिल रहे हैं, मतलब कि किसी थ्रू मिल रहे हैं। हो सकता है कि लोग पास में बैठ के ना मिले हों लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू ज्यादा लोगों का लगाव बढ़ा है। तो मतलब मेरे समझ से अब लोगों के बीच में दूरी तो बनी है बट सोशल मीडिया के तहत वो ज्यादा जुड़ गए हैं। तो जैसे पुराना जनरेशन जो था लाइफ स्टाइल में लगातार चेंजेस आएंगे लोगों के, तो लाइफ स्टाइल में अगर चेंजेस आ रहे हैं तो एक तरीके से वो ही माना जाए कि या तो जनरेशन गैप ही है या तो वो जनरेशन का गैप नहीं है। दोनों चीजें मानी जा सकती है क्योंकि लाइफ के साथ अगर मतलब क्या होता है, इंसान की जिंदगी लगातार अपडेट होती रहती है। जैसे मैं इन्होंने बताया कि 1 लाख रुपए इन्होंने इन्वेस्ट किया है, अगले 5 साल में क्या होगा, 5 साल में क्या होना है, मतलब कि लाइफ स्टाइल लोगों के चेंजेस आएंगे तो फिर वो भी सब कुछ चेंज होता रहेगा 5 साल में। ऐसा नहीं है कि ऐसी ही दुनिया रहेगी। तो जनरेशन में लगातार क्या होंगे, ये एक तरह का
गैप ही बनेगा, मतलब कि लोगों के बीच मेरी समझ से और करीबी बढ़ेगी अगले 5 साल में लोगों के बीच, सोशल मीडिया के थ्रू ही लोगों के बीच जो है करीबी और बढ़ेगी, और जनरेशन गैप के बारे में यही कुछ है। जैसे हमारे पेरेंट्स और आज की जो जनरेशन है, एक बदलते समय में मतलब कि क्या उनकी सोच में परिवर्तन आता है? अब जैसे हम लोग का क्या था कि हम लोग पहले की लाइफ स्टाइल में ये था कि माँ बाप से हम ज्यादा जुड़े नहीं हुए थे, लेकिन अभी क्या है, बच्चे माँ बाप से ज्यादा जुड़े हुए हैं, वो अपनी हर बात हमसे कह दे रहे हैं। और पहले हम लोग का क्या था लाइफ स्टाइल में कि हम पहले माँ बाप से वो चीजें, सारी चीजें खुल के नहीं कह सकते थे जो आज की जनरेशन कह ले रही है, वो हमारे सामने कर ले रही है, जो हम कभी भी नहीं कर सकते, मतलब पुरानी और हमसे भी पीछे जो जनरेशन थी वो ये सब काम मतलब कि लोग नहीं कर सकते थे, वो नहीं कह सकते थे, थोड़ी शर्मिंदगी थी। बट अब की जनरेशन जो है अपग्रेड हुई है, लगा है कि लोगों को कि हर चीज सबसे शेयर करनी चाहिए, वो चीजें अभी भी मतलब लोग शेयर नहीं करते हैं पेरेंट्स के बीच में, बट पहले से अपेक्षा अब ज्यादा जनरेशन में अपग्रेड अपडेट अपडेट आया है और लोग अपग्रेड हुए भी है। और आज की जनरेशन की बात, पहले कम से कम 30 30 40 40 साल इकट्ठे बैठ कर टेलीविजन देखते थे तो सब एक साथ हंसते थे अगर कोई बात होती थी, कोई भी जोक बोलता था टेलीविजन पर। लेकिन आज इंसान अपने ही फोन पे वीडियो देखता है और अकेला ही हंसता है, बहुत कुछ बदल चुका है। अकेले हंसने की आदत पड़ गई आजकल के लोगों को, किसी की जरूरत नहीं है। आप क्या कहेंगे आरटी नॉलेज इसके बारे में? एक्चुअल मैं सुनने पे क्या कह रहे थे कि मैं कह रहा था कि पहले टेलीविजन के सामने बैठ के 10 10 12 12 आदमी इकट्ठे हंसते थे जब कोई फिल्म में कोई जोक बोलता था, लेकिन आज अकेले ही हंसते हैं। फोन में जब कोई चुकलाता है तो अकेले हंसता है ना। नहीं, वो तो चीज सही है, बट क्या था पहले हम सोशल मीडिया के थ्रू नहीं जुड़े हुए थे, अब सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ गए हैं, तो हम अब हो सकता है बताया कि हम क्या नाम है कि निर्जीव चीज को ही देख के हंसेंगे, टीवी में ही देख के हंसेंगे अपने आप मन को खुश करने के लिए, मतलब इंसान तो करेगा ही करेगा क्योंकि तो ऑब्वियसली हर आदमी सोशल मीडिया के थ्रू ही जुड़ा हुआ है। हम आप फोन से बात कर रहे हैं तो आपस में बात करते वक्त भी हंस लेंगे, मतलब यही चीज है, मतलब लोगों का बताए ना मिलाप थोड़ा कम हो जाएगा, सोशल मीडिया के थ्रू वो ज्यादा मिलेंगे क्योंकि वही है कि लोगों के पास टाइम की कमी। जैसे चाइना वाले हैं, चाइना जापान जो भी, इन्होंने क्रिकेट को क्यों नहीं चुना ओलंपिक में, चला नहीं, यहीं जाएगा। पर ही बताओ है। समय की बर्बादी है, ज्यादा टाइम देता है, इसलिए ये क्रिकेट से नफरत करते शुरू से। हाँ, अगर ये क्रिकेट अगर शुरू में चाइनीज वाले भी खेलते हैं ना, जैसे लगान की फिल्म में इंग्लैंड अंग्रेजों ने, अंग्रेजों के ऊपर बनी हुई फिल्म वो लगान, इनके पास शुरू से होती ना तो शायद ये इतनी तरक्की ना कर पाते, इनके ऊपर आइटम बम भी गिर गए, हर काम हो गए, इतने तूफान आते हैं, भूकंप आते हैं, फिर भी ये सबसे आगे हैं, क्योंकि टाइम की बचत करते हैं। अब टाइम की बचत नहीं करते, नहीं, ऐसा नहीं है कि खेलना कोई वो टाइम की बचत नहीं करना होता है, खेलना तो एक हमारे सेहत के लिए फायदेमंद ही है, वो चीज अलग मैटर रखता है कि क्रिकेट खेलना फुटबॉल खेलना, देखिए खेलने से इसका कोई रिलेशन नहीं है, हर इंसान को खेलना कूदना चाहिए, अपने बॉडी को थोड़ा रिलैक्स देना चाहिए, अगर आप खेलोगे नहीं तो बॉडी आपके रिलैक्स ही नहीं मिल रहा है, जब से आपका ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होगा फिर बॉडी आपका दिमाग जो होगा ना एक चीज पे ध्यान केंद्रित करने के लिए ना इंसान को खेलना कूदना पड़ता है, अगर आप खेलोगे कि तो नहीं एक जगह आप बैठे रह जाओ, आप सोचो कि चलो कोई नहीं हम कोई बुक उठाते हैं लगातार पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे कुछ नहीं पढ़ेंगे, 2 घंटे बाद आपसे कोई पूछेगा कुछ
कोई जवाब नहीं होगा आपके पास। लेकिन आप जैसे ही खेल कूद के आएंगे ना, तो आपके पास थोड़ा सा प्रेशर आएगा कि चलो यार अब पढ़ लेते हैं ना, तो वो चीजें ज्यादा तेजी से होती हैं, क्योंकि हमारा होता नहीं है, क्योंकि जिससे कोई चीज रखे रखे होती नहीं, निष्क्रिय हो जाती है। ऐसे ह्यूमन का भी एक नेचर होता है, जब ज्यादा देर तक वो सोया बैठा रहेगा ना, ऑटोमेटिक आपको खुद ही मालूम पड़ेगा। जैसे आप अगर जॉब जॉब करते हैं या तो पढ़ते हैं कुछ करते हो, आपने जैसे कि एक दिन ड्यूटी नहीं किया, एक दिन स्कूल नहीं किया ना, अगले दिन आपको खुद ही महसूस होगा, 2 दिन लगातार रिलैक्स लेने के बाद होगा यार कि मैं ज्यादा, मतलब अपने आप को कंफर्टेबल आप नहीं महसूस करोगे, अपने आप को खुद को थका ही हुआ ही महसूस आप करोगे। ऐसा नहीं है कि खेलना कूदना इंसान की काबिलियत को नहीं खत्म कर देता है, बस होना चाहिए, खेलने कूदने के साथ साथ हमें सारी चीजें करनी चाहिए जो हमारे लिए जरूरी है, जो हमारे सेहत और हमारे हमारे भविष्य के लिए अच्छा हो, वो चीजें हमें करनी ही करनी चाहिए। ऑब्वियसली आप ये कह रहे हैं कि खेलना कूदना एक उसका टाइम होना चाहिए, लिमिटेशन होना चाहिए, जैसे हम 10 10 घंटा 20 20 घंटा खेले जा रहे हैं, वो चीज नहीं होनी चाहिए, बट करना है हर चीज को। ऐसा नहीं है कि हम खेल को इग्नोर कर दें, योगा की इग्नोर कर दें, पढ़ाई को इग्नोर कर दो, हर चीज को हमें करना है विद इन लिमिट। यही तो प्रॉब्लम है यार। क्रिकेट खेलते हैं इंडिया में, ज्यादा लोग पसंद भी करते हैं, हॉकी को पसंद नहीं करते, उल्टे हैं ना हमारे भारतीय से, उल्टे हैं भाई। नहीं ऐसा नहीं है, देखिए क्या होता है, जैसे कि बहुत सारा शिक्षा में नहीं निकल रखा है कि कोई बायोलॉजी से पढ़ रहा है, कोई मैथ से पढ़ रहा है, कोई आर्ट से पढ़ रहा है, तो हमें क्रिकेट पसंद आया तो हमने क्रिकेट को लाइक किया, किसी को हॉकी पसंद आया तो वो हॉकी को लाइक किया, ऐसे ही किसी किसी को वो जियोलॉजी, तो किसी होता को ही रहा बॉटनी, यार। किसी को मैथ, किसी को साइंस, जो चीजें जिसको अच्छा लगा वो लेके पढ़ रहा है, वो लेके खेल रहा है, जिसको एंजॉयमेंट, आपको आपको अगर हॉकी में एंजॉयमेंट मिल रहा है तो हम क्रिकेट आपको दिखा के कुछ नहीं एंजॉय आपको दे सकते हैं, आपको अगर वॉलीबॉल अच्छा लगता है तो क्रिकेट दिखा के हमको कुछ नहीं दे पाएंगे, जो चीज आपको अच्छी लग रही है वो चीज करना है। ऐसा नहीं है कि क्रिकेट खराब है, फुटबॉल खराब है, हॉकी अच्छा है। राष्ट्रीय खेल हॉकी है हमारा देश का, लेकिन लोग क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं यार। ये एक क्या वो बोलते हैं, जबरदस्ती बना रखा है कसम से, कुछ भी लगा लो तुम, जो जो हॉकी खेलते हैं ना वो भी क्रिकेट को ही पसंद करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई, देखो देखिए आप खुद ही देखिए कि मतलब आप पढ़ते हो, जब पढ़ाई करते समय आपको महसूस होगा कि आपके पास 6 सब्जेक्ट हो, आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट होता होगा जिससे आपको लगता होगा यार ये सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा लगता है, ये चीज होती है। ऐसे हिंदुस्तानियों के बीच में क्रिकेट ज्यादा दबाव प्रेशर कर रखा है, वो ज्यादा अच्छा लगता है, ऐसे हर देश में अलग अलग है, बस हमारी सोच सोच की बात है, हमें हर चीज में ध्यान देना है। चलो कोई नहीं, इंजॉयमेंट के लिए हम क्रिकेट देखना चाहते हैं तो क्रिकेट ऑब्वियसली देख सकते हैं, क्रिकेट खेलना चाहते हैं क्रिकेट खेल सकते हैं, क्रिकेट के बारे में जानना चाहते हैं ऑब्वियसली क्रिकेट जान सकते हैं, बट क्या होता है ना कि ऐसा नहीं है कि मतलब कि हमें कोई प्रेशर दे रहा है कि नहीं क्रिकेट हमें देखना है, क्रिकेट दिल वो तो बेचारा हमारी जी थोड़ा सोच है आउट ऑफ टॉपिक हो विद इन गया, लिमिट, जो भी हमारी लिमिट है। दिल बेचारा जी ये क्रिकेट पे चला गया, हम नहीं जनरेशन गैप से थोड़े शायद हट गए हैं। नहीं नहीं समीक जी, ये हम एक्चुअल में बिल्कुल टॉपिक के बीच में है, ये भी एक जनरेशन गैप का एक हिस्सा है कि पहले के लोग शायद हो सकता है ना जुड़े हों, अब के लोग इससे ज्यादा जुड़े। जैसे जनरेशन गैप में मतलब बताना चाहते हैं ये कि चाइना के लोग जो हैं वो क्रिकेट नहीं खेले, जापान के लोगों ने क्रिकेट नहीं खेला, वो ज्यादा विकास कर गए, ऐसा कुछ नहीं होता है क्रिकेट खेलने से। एक्चुअल में क्या हुआ कि हम लोग इसलिए थोड़े पीछे चले गए क्योंकि हमें वो रास्ता दिखाने के लिए कोई नहीं मिला, और जो रास्ता हमें दिखाने के लिए इस देश में आए ना आर्यवर्त, आर्यवर्त ने हमें क्या किया, यहाँ जातिवाद बना दिया। ये एक्चुअल में लोगों को भ्रम में पैदा होता है कि यहाँ पे जातिवादियां जो होती नहीं है समीक जी, पहले क्या लोग कहते नहीं, लोग क्या नाम है कि बहुत सारी जातियां होती हैं, फिर पंडितों ने ये किया, ठाकुरों ने ये किया, इन्होंने अपने आप को, ऐसा कुछ नहीं हुआ, देश में जब पहली बार जाति बनी ना तो आर्यवर्त ने आके ऐसा किया कि आर्यवर्त ने चुना कि कौन कौन से बंदे जो हैं अमीर हैं, उन्होंने एक कास्ट में बना दिया, तो वो अंग्रेज की देन थी जो इंडिया में ऐसा हुआ, क्योंकि हमारे लोग समझदार नहीं थे तो इसलिए उनका उसका उन्होंने यहाँ फायदा उठाया, हमारी कमजोरी का फायदा उठाया, तो हमें हमारी जो जनरेशन पीछे की थी वो थोड़ी कमजोर थी, फिर हमारी जनरेशन धीरे धीरे समझदार हुई, अब लोग हमें मूर्ख नहीं बना सकते क्योंकि हमें थोड़ी सी वो जागरूकता आई, ऑब्वियसली अब वो रह भी नहीं गया क्योंकि लोग अब ज्यादा जागरूक हो गए,
तो फिर वहां से गैप होता है, गैप हुआ जो मतलब स्टार्टिंग हमारा गैप ना वहीं से होगा। अगर वहां हमारा फिलअप हो गया होता तो फिर वो गैप ही नहीं रह जाता, आज हम भी अमेरिका, चाइना और जापान जैसे ही देश रहे होते। बट हमें वो रूट नहीं मिला, वो लोग नहीं मिले, और वो जो हमें लोग मिले वो हमारे देश को लूटने के लिए, हमें बर्बाद करने के लिए आए। हमारे पैसे, हमारी धन दौलत, हमारा सामान सब लूट के ले गए वो। जब हम स्टेबल हुए तब तक हमें पता, जब तक चला तब तक हमें ये भी पता चला कि हमारी सारी चीजें जो है वो खत्म हो चुकी है, तब हमने वहां से शुरू किया। हाँ जी, आपकी आवाज स्कूल बहुत लाइफ कम आ में, रही है हर्षद। स्कूल टाइम में आवा रही है? सही। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, स्कूल टाइम में जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, हिस्ट्री पढ़ाई जाती है कि भगत सिंह कब मारा, इस तरह की बहुत सारी बातें सिखाई जाती है। गांधी जी का जन्म कब हुआ और ये युद्ध कब हुआ, प्लासी का युद्ध कब हुआ, पानीपत का युद्ध कब हुआ। अगर कोई बच्चा ये पूछे ना कि भाई मैं इन सब चीजों को क्यों याद करूं भाई, जो लोग मर चुके हैं या जो दौर गुजर चुका है, तो मैं इन सब चीजों को क्यों याद करूं, तो आप उस बच्चे को क्या आंसर देना पसंद करोगे? हमें अपने टाइम, पुराने टाइम के बारे में पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए हमें हर चीज़ के बारे में, कि पुराने टाइम में क्या युद्ध हुए हैं, कैसे हुए हैं। उस बच्चे को समझाना है तो कि वो बच्चा बोल रहा है कि मैं इन मरे हुए लोगों को यूं याद करूं, मुझे इनसे कुछ नहीं लेना देना, तो उसको किस भाषा में आप ये बताओगे कि भाई क्यों याद रखना है? तो इसलिए याद रखना है कि हमें अगर अपने पीछे का ही नहीं पता होगा, मतलब कि पता होना चाहिए कि पीछे क्या हुआ है, कैसा समय रहा है पीछे का, किस तरह से युद्ध हुए हैं, और आज का जो हमारा प्रेजेंट है ना, वो हमारे लिए कितना आरामदायक है। उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, जो भी युद्ध हुए, हमारे देश को आज़ाद रखा, तभी हम एक आराम से जीवन जी रहे हैं, है ना। जितनी तो ये पुरानी सब हिस्ट्री चीज़ें तो होती है, पता होनी चाहिए। इतिहास में जो पन्नों में लिखा, बोलते हैं कि इतिहास के पन्नों में नाम आ गया इस बंदे का, हिस्ट्री बना के जाते हैं बहुत से लोग, तो ये इसलिए बना, इसलिए याद रखते हैं लोगों को, इसका इतिहास इसलिए बनाया जाता है ताकि जो गलतियां पहले वाले लोग कर चुके हैं खुशी जी, म्यूट लगा लीजिए। सही हुआ, ये गलत हुआ, तो आगे ये गलतियां ना हो, इसलिए इतिहास पढ़ना जरूरी है। इंडियन ब्यूटी, आप कुछ कहना चाहेंगे टॉपिक के ऊपर? हाँ, तो इतिहास पढ़ना जरूरी है ताकि जो गलतियां हमारे पूर्वजों ने की है वो आगे ना हो। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दिल बेचारा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जो कहना और सब कुछ सही दिया। ना बढ़िया, मैं तुम्हारा दिल बेचारा। थैंक यू यार। दिल बेचारा जी, फिर चलो यार, कंक्लूजन चलो निकालते हैं क्या टॉपिक के बताऊं, ऊपर। सभी के लिए ये बता हमारी दिया। स्ट्रेंथ कहाँ चली गई? कैसे मतलब? मतलब अब ये क्या नाम लोग है, सभी कहाँ के लिए जैसे चले गए? मैं आपको बोल रहा था ना कि हिस्ट्री हिस्ट्री को पढ़ना हर्षद थोड़ा लाउडली बोलिए, ऊंची आवाज में बोलिए। बहुत ही, हाँ, हिस्ट्री को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो जैसे ये हर्षद मेहता है, ये 5,000 रुपए से शुरुआत की थी इस बंदे ने, मिडिल क्लास का लड़का था, 5,000 करोड़ रुपए कमा लिए, पूरे के पूरे बैंकों को खाली कर दिया था इसने। इसकी ये स्टोरी पढ़ के ना, इसने खुद बोला था एक बार जब ये मुंबई गया था कि मुझे हिस्ट्री बनानी है भाई, और इसने हिस्ट्री बना भी दी। मैंने तो इसका पूरा खचा चिट्ठा पढ़ा है, कहाँ से क्या था, क्या किया इसने, बंदे ने पूरे इंडिया को हिला दिया, इंडिया को क्या, पूरी दुनिया को हिला दिया।
वैसे तो गुजराती फिल्म है ये, लेकिन बंदे ने हिंदी में डबिंग कर रखी है, बड़ी लाजवाब फिल्म बना रखी है। देखना भाई इसमें कभी अगर टाइम मिले तो तुम्हें। हाँ जी, हाँ जी, जरूर देखेंगे। बिल्कुल लाजवाब फिल्म है भाई, पूरा का पूरा परिवार देख सकता है। दिल बेचारा जी, फिर कंक्लूजन निकालते हैं टॉपिक के ऊपर। आप कंक्लूजन में क्या कहना चाहेंगे? बात कहना चाहूंगा भाई, जो शेयर मार्केट है ना, पहले मैं इसको सट्टा बाजार समझता था, लेकिन इस बंदे कितने सारे डायलॉग है इस फिल्म में। जैसे एक डायलॉग है इस फिल्म में, रिश्क है तो इश्क है, एक तो ये डायलॉग इसका बड़ा फेमस है। और एक डायलॉग है इसका कि शेयर मार्केट वो कुआ है जो पूरी दुनिया की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ। और 100 ऐसे बंदों की सेना बनाना चाहता हूँ जो अपना 100% मुझे देने के लिए तैयार हो, फिर मैं 1000% कमा के उनको दूँ। ऐसे लाजवाब डायलॉग ले रखे कि बंदे का दिमाग हिल जाएगा। जैसे बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि तुम्हारी धनराशि पे शनि, शनि का नाम तो सुना होगा तुमने, हाँ जी, बोलते हैं ना शनि का प्रकोप है ये, अगर जेब में वो नहीं हो तो शनि कुछ नहीं कर सकता। और पैसा ही पैसे वो खींचता है। जब जमीन जी आप फिल्म देखोगे ना तो इतनी नॉलेज हो जाएगी आपको कि वाकई में पैसा कमाना कितना कठिन है। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं अफरीदी जी। और जनरेशन गैप में दिल बेचारा ने जैसे कहा है, मैं कंक्लूजन में यही कहूँगी कि जनरेशन गैप काफ़ी कम होता जा रहा है बदलते समय के अनुसार। बच्चे काफ़ी फ्रेंकली हो गए हैं अपने पेरेंट्स के साथ, काफ़ी हद तक बच्चे शेयर करते हैं बातें अपने पेरेंट्स से। तो ये टॉपिक हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, तो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं हम दोबारा।